स्ट्रेच आज का जो वीडियो है या जो लेक्चर मैं देने वाला हूँ, जस्ट इसके पहले वाला जो वीडियो था जहाँ पर हम पढ़ रहे थे सोलिबिलिटी को, और सोलिबिलिटी में हम पहला जो था उसका गैस की सोलिबिलिटी है ना, जब किसी गैस को लिक्विड में सोल्युबल किया जाता है तो उसकी कितनी मात्रा उसमें सोल्युबल होगी, तो वहाँ पर गैस की जो घुली हुई मात्रा होती है उसको हम उसके अवशोषण गुणांक के द्वारा शो करते हैं। ये मैंने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। अवशोषण गुणांक क्या होता है, तो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर एक एटीपी प्रेशर पर किसी गैस को जब किसी लिक्विड में सोल्यूबल किया जाता है तो उस स्थिति के अंदर सोल्यूबल गैस की एनटीपी पर कितना उसका आयतन या वॉल्यूम होगा वह उसका क्या कहलाएगा, अवशोषण गुणांक। और जिसका अवशोषण गुणांक जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सोल्यूबल होगा। फिर उसके बाद हमने सोल्युबिलिटी, गैसों की सोल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में आपको बताया। वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स आप कहते हैं, तो जनरली मैंने चार फैक्टर लिखे थे, जिसमें पहला था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड टेम्परेचर, और फिर एक पॉइंट आपका जो लास्ट फैक्टर है वो है प्रेशर, ठीक है। और ये सबसे मेजर फैक्टर होता है किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी के बारे में। जनरली गैसों को जब किसी लिक्विड में सोल्युबल किया जाता है तो वहाँ पर सामान्य देखा गया है कि आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रेस होने के साथ साथ गैस की सोल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो किसी गैस की सोल्युबिलिटी को हेनरी ने सबसे पहले जब स्टडी किया तो हेनरी ने गैसों की सोल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट है उसके लिए लॉ दिया है। आज उसी टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज का जो आपका वीडियो होगा उसमें आपके पहला है हेनरी लॉ, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है ना, उसके बाद आपका लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ और उससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन होगा, ठीक। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, चौथा फैक्टर जो उसको इफेक्ट करता है वो है प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर किस पर, सॉल्युबिलिटी पर। हेनरी लॉ, हेनरी का बड़ा सिंपल सा जो रूल था मैंने कहा ना, सामान्यतः क्या होता है कि प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ आपका क्या होगा, जो गैस की आपकी सोल्युबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। एक जनरली मैं यहां पर आपको दो डायग्राम दे रहा हूं, जैसे आपका यहां पर क्या है, ये लिक्विड है और दोनों के अंदर लिक्विड आपका भरा हुआ है, और यहां पर क्या है, पिस्टन लगा हुआ है, और ये आपका जो पॉट है वो क्या है, बंद है, ठीक है। यहां पर आपका जो प्रेशर है जो लगाया गया है वो माना कि W1 है, और यहाँ पर प्रेशर जो है W2 है, W1 से W2 जा रहा है। अब इसमें क्या है, पहली स्टेज पर जो गैस है वो इस सॉल्यूशन के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम पर है, यानी कि जितने गैस के पार्टिकल अंदर की तरफ जा रहे हैं उतने वापस क्या है, बाहर की ओर आ रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। और इक्विलिब्रियम के अंदर यहाँ पर आपकी कोई गैस घुली हुई है, माना कि उसकी जो वैल्यू है, मात्रा है, वो कितनी है, एम है। जब आप इधर W2 प्रेशर किस स्थिति पर बढ़ाते हैं तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ जो आपकी गैस मॉलिक्यूल है वो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, ज्यादा सोल्यूबल होना चालू हो जाते हैं, पर ये तब तक सोल्यूबल होते रहेंगे जब वापस क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो यहाँ पर आपकी जो गैसों का जो आपका सोल्यूबिलिटी होगी वो यहाँ तक बोले आपका यहाँ तक, ठीक है। तो ये सामान्य है कि आप प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, गैस की सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हेनरी ने क्या कहा इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर, तो हेनरी का रूल बड़ा सिंपल सा है, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, एम क्वांटिटी ऑफ सोल्युबल गैस या ग्राम में आपकी गैस की जो मात्रा है वो कितना उसके अंदर घुली हुई है, पी प्रेशर ऑफ गैस, गैस ने कितना उस पर प्रेस किया है, और के यहाँ पर क्या होगा आपका, कॉन्स्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, गैस के सॉल्यूशन के अंदर गैस की घुली हुई मात्रा उस गैस के द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर के समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, ठीक है ना। गैस की मात्रा किसके समानुपाती होती है, प्रेशर के, गैस अवस्था के अंदर, गैस फेज के अंदर उस गैस के द्वारा कितना उस पर प्रेस किया गया है, तो जितना ज्यादा प्रेस होगा उसकी मात्रा उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहां पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो आता है वो के है। अब घुली हुई मात्रा को आप अगर आप प्रेशर से देखें तो एक सिंपल सी चीज है कि जैसे आपका ये सॉल्यूशन है और यहां पर आपका गैस है, ठीक है ना भाई, ये आपका क्या है,
गैस है। अब इस गैस के द्वारा इसकी सतह पर कितना प्रेशर डाला जाएगा, तो यहां पर आपके पास क्या है, दो चीजें हैं, जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड है तो उसका भी आपको क्या मिलेगा, वेपर प्रेशर होगा, और यहां पर गैस का भी क्या होगा, प्रेशर होगा, यानी कि दो प्रेशर काम कर रहे हैं। इसमें से यहां पर गैस का प्रेशर कितना होगा, तो गैस का प्रेशर किस पर होगा, जितना गैस इसमें घुला हुआ है, इसमें अगर ज्यादा गैस घुली हुई है तो इसके द्वारा लगने वाला जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जितना कम होगा उसका प्रेशर उतना ही कम होगा, क्योंकि प्रेशर दोनों तरफ से लग रहा है, इन गैसी पार्टिकल के द्वारा प्रेशर लग रहा है, अंदर के गैस वाले भी क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहे हैं, और जब दोनों प्रेशर आपके बराबर हो जाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो प्रेशर काम करेगा गैस का वो किस पर डिपेंड करेगा, इसके अंदर घुली हुई गैस की मात्रा पर। अब गैस की घुली हुई मात्रा को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन द्वारा, जैसे ए और बी, ए सॉल्यूट गैस है, बी सॉल्वेंट है, तो यहां पर इस टोटल इसका जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी के बराबर होगा, और गैस का जो मात्रा है एम वो किसके इक्विलिब्रियम पोस्टल हो जाती है, उसकी मोल फ्रैक्शन के। तो सेकंड जो उसने पार्ट लिया है कि गैस की घुली हुई मात्रा किसके आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होगी, मोल फ्रैक्शन के, यानी कि गैस की जितनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगी उसकी मात्रा उतनी क्या होगी, घुली हुई होगी, और उसका प्रेशर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रेशर किससे रिलेटेड हो गया आपका, मोल फ्रैक्शन से। तो यहां पर हेनरी ने यह कहा कि किसी भी गैसी सॉल्यूशन के अंदर उस गैस का आंशिक दाब, गैस का पार्टली प्रेशर, आंशिक दाब उसकी मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी कि जितना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल में उसका वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर जो पार्टली प्रेशर है वो भी क्या होगा आपका, अधिक होगा। और पी ए इक्वल किसके हो जाता है, के एच एक्स ए, एक्स ए ए कौन है, गैस है जो कि आपकी सॉलिड के रूप में है, पी ए क्या है, पार्टली प्रेशर है इसका, गैस का, इसका वैल्यू बढ़ेगा, पार्टली प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि आप उस प्रेशर को उसकी मोल फ्रैक्शन से क्या कर सकते हैं, रिलेटेड कर सकते हैं, यानी कि आप उसकी जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन का, गैसी सॉल्यूशन का, उसको आप प्रेशर के द्वारा क्या कर सकते हैं, रिलेटेड कर सकते हैं, और के एच क्या हो गया यहाँ पर, हेनरी कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, अब यदि आप किसी गैसी सॉल्यूशन के ऊपर लगने वाले उसके प्रेशर, पार्टली प्रेशर और उसकी मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ अलॉट करें तो वो ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिलेगी, और जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर होगा, हेनरी कॉन्स्टेंट के इक्वल बराबर हो जाता है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में उतार लें। लिमिटेशन क्या होती है, यानी कि हेनरी नियम जो है वो आपका कब लागू होगा और कब लागू नहीं होगा, तो हेनरी के लॉ के लिए कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसे पहला लिमिटेशन में लिखा, पी मैक्सिमम ना हो, यानी कि दाब अत्यधिक ना हो। ठीक है, क्योंकि अत्यधिक दाब होने पर गैसी क्या हो सकती है, द्रवित हो जाती है, लिक्विडेशन हो जाएगा उसका, तो उस समय हेनरी का रूल काम नहीं करेगा। टेम्परेचर मिनिमम ना हो, तो ये भी वही कंडीशन है कि आप अत्यधिक टेम्परेचर को अगर कम कर देते हैं तो कम करने पर क्या होंगे, गैसों के मॉलिक्यूल अत्यधिक पास आ जाएंगे और क्या हो जाएंगे, वो लिक्विडाइड हो जाएंगे, तो लिक्विफिकेशन हो जाने के कारण तो वहां पर भी आपका हेवी लॉ काम नहीं करेगा। थर्ड जो इसकी लिमिटेशन है, गैस की सोलिबिलिटी बहुत कम होनी चाहिए, अत्यधिक सोलिबल ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप एस सी एल और अमोनिया को बेंजीन के अंदर डालते हैं सोलिबिल करते हैं तो वहां पर ये बहुत अल्प विलेय होगी, तो वहां पर क्या होगा कि यह हेनरी लॉ काम करेगा। लेकिन यदि किसी को ही आप H2O में डिसॉल्व करते हैं तो H2O में इनका आयनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, और आयनाइजेशन होने के कारण अब ये आपका हेनरी लॉ यहां पर काम नहीं करेगा। कहने का मतलब सोलिबिलिटी बहुत अल्प होनी चाहिए उसकी, ज्यादा सोलिबिल ना हो, और दूसरी चीज ये है कि उसका आयोनाइजेशन ना हो, जिसको गैस को आप डाल रहे हो उसके अंदर जाने के बाद क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये कंडीशन अगर आप फॉलो करते हैं, मेजर ध्यान रखें, प्रेशर मैक्सिमम ना हो, टेम्परेचर मिनिमम ना हो, गैस की सोलिबिलिटी क्या हो, बहुत कम हो, अत्यधिक सोलिबिल नहीं होना चाहिए, और आयोनाइजेशन भी ना हो उसका। तो आयोनाइजेशन ना हो तो मैंने एग्जाम्पल में लिया है कि ये आपकी पोलर गैस है HCl और HCl। ठीक है, बेंजीन के अंदर ये आयनाइज भी नहीं होती है, और बेंजीन के अंदर की सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, बहुत कम होती है, और जब आप
H2O के अंदर इन चीजों को काम में लेते हैं तो H2O में ये हाइड्रेशन हो जाती है, तो इनका H2O के अंदर जब सॉल्यूशन बनाते हो तो हेनरी लॉ फॉलो नहीं होगा, और बेंजीन के अंदर हेनरी लॉ क्या होगा आपका फॉलो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिमिटेशन को उतार लें। एप्लीकेशन हेनरी लॉ की कुछ चीजें जो आपके डेली लाइफ में देखने को मिलती है, ठीक है, तो वहां पर आप हेनरी के लॉ की एप्लीकेशंस में उनको देखें तो पहला जो है जैसे सोडा वाटर प्रिपरेशन में, कि जब आपने देखा होगा कि सोडा वाटर तैयार किया जाता है तो सोडा वाटर तैयार करते समय क्या किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O ये सोडा वाटर होता है आपका। तो जब वहां पर CO2 को आप उसमें सोडा वाटर के रूप में देते हैं तो वहां पर हाईली प्रेस किया जाता है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है हेनरी क्या कहता है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी अधिक होगी, ठीक है ना। तो वहां पर क्या किया जाता है, आपने जनरली सिकंजी बनाते हुए सब देखा होगा कि वहां पर पानी होगा तो पानी की बोतल के अंदर क्या करता है वो सिलेंडर से CO2 को लाता है, और CO2 को लाकर वहां पर आपका एक दाब मापी होती है, तो वहां पर उसके निश्चित आपका क्या करता है निश्चित पॉइंट पर उसमें क्या करता है CO2 को प्रोवाइड करता है। तो जैसे जैसे वो प्रेस करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी वहां चली जाएगी और उसको ढक्कन के साथ क्या कर देता है वो बंद कर देता है, हाईली टाइट कर देता है, और जब एकदम खोलता है तो आपको पता है एक साथ निकल जाती है ना जाग के साथ। तो सोडा वाटर के समय प्रेशर को ज्यादा रखा जाना। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि जो गोताखोर होते हैं जब पानी के अंदर चले जाते हैं तो पानी के अंदर जाने पर क्या होगा कि पानी के साथ साथ वहां का वाटर का प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने के साथ साथ जो कम सोल्यूबल गैसें होती है जैसे आपका N2 ये अधिक मात्रा में क्या होगी बॉडी के अंदर चली जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा ब्लड के अंदर आपकी वायु जो होगी उसकी जो विलयता होगी सोल्युबिलिटी होगी वो बढ़ जाती है। तो वहां तक तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही गोताखोर बाहर आता है तो वहां पर एकदम प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो घुली हुई गैसें वापस क्या होती है एक साथ झटके से निकलती है, तो वहां पर जब ये निकलती है तो एयर आपके ब्लड के अंदर बबल्स बन जाते हैं बुलबुले बन जाते हैं, और बुलबुले बनने के कारण वहां पर क्या होता है उनके अंदर बैंड्स उत्पन्न होते हैं जो कि एक बहुत भयंकर दर्द वाली चीज होती है। बैंड्स का मतलब आप समझ रहे होंगे एक मांसपेशियां खिंचाव उत्पन्न करती है, तो वो बैंड्स हो जाते हैं। अब इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है तो वहां पर उसके सिलेंडर में क्या किया जाता है हीलियम डाल दिया जाता है। हीलियम डालने के कारण क्या होगा ये क्या होगी बहुत कम इसका वेट बहुत कम होगा जिसके कारण इसकी सोल्युबिलिटी घट जाती है। तो वहां पर क्या किया जाता है उस जो गैस सिलेंडर में होती है उसके लिक्विलाइजेशन किया जाता है उसको द्रवित कर दिया जाता है, जिसके कारण कि वहां पर आपकी जो बॉडी के अंदर जो गैस जाएगी अंदर की तरफ जब पानी में होगा तो वह उतनी विलय नहीं होगी, और तब वह ऊपर आएगा तो वह उसके साथ बुलबुले ना बनेंगे और बैंड्स रुक जाते हैं। अगला जो इसका एप्लीकेशन है एनेक्सिया के रूप पर्वतारोही जब ऊपर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है आपको पता है कि जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो आपको पता है ब्लड के अंदर जब आपका बाहरी प्रेशर जितना ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन आपकी ब्लड में शामिल हो जाएगी, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो वहां पर ब्लड में आपके ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है कम हो जाती है, और जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो वह मस्तिष्क तक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच नहीं पाती है जिसके कारण उसमें सुन्नता आने लग जाती है बेहोशी उत्पन्न होती है जिसको हम क्या कहते हैं एनेक्सिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हेनरी के लॉ की मुख्य एप्लीकेशन है। पहली चीज कुछ चीजों को जैसे किसी गैस को डिजोल्व करना, उदाहरण के लिए मैंने सोडा वाटर लिया है तो डिजोल्व करते समय आप क्या करोगे वहां पर हेनरी के लॉ के अनुसार क्या होगा हाईली प्रेशर किया जाएगा, ठीक है ना, एम राइट प्रोपोर्शनल टू पी। फिर गोताखोरों के लिए तो गोताखोर में आपको पता है कि जितना आप गहरे में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा तो वहां पर कई सारी गैसें जो कि आपके नाइट्रोजन वगैरह होती है वो ब्लड के अंदर चली जाती है, और जब आप ऊपर आता है वह गोताखोर तो वहां से एकदम प्रेशर कम होने के कारण गैस वापस क्या होती है बाहर निकलती है, तो वहां पर बबल आते हैं कहां पर ब्लड की आपकी जो वेंस होती है वहां पर, और ब्लड बबल आने के कारण क्या होगा कि वो क्रैम्प उत्पन्न करेगा वेंस उत्पन्न करेगा, और लास्ट मैंने बताया हाईली ऊपर जाने पर माउंटेन पर जब ऊपर जाया जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है तो ऑक्सीजन आपकी डिमांड जो ब्लड में होनी चाहिए वो पूरी नहीं हो पाती है, और वह मस्तिष्क में जाकर क्या करता है शून्यता या बेहोशी उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी एप्लीकेशन में होंगी, आप इनको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें।